हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब मस्त होंगे। मैं हूं नीरज, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। गाइस, मैं बहुत टाइम से आप लोगों को लगातार कह रहा था कि यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है, बट कुछ टाइम से यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है। और बारिश की वजह से आप लोगों ने जैसा कि सुना ही होगा, गढ़वाल में अभी बादल फटा था, तो वही सेम यहाँ पर भी हुआ। हमारे कुमाऊँ में भी बादल फटा है अभी कुछ दिन पहले ही। जो जगह का नाम है वो है भवाली। वहाँ पर एक मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, कैची धाम करके। तो वहाँ पर बादल फटा था। बादल फटने की वजह से रोड काफ़ी जाम हो गया था वहाँ पर, और कुछ मलबा जो है मंदिर परिसर के अंदर भी आ गया था। बट ये था कि बाबा जी की कृपा से जान माल का नुकसान कुछ नहीं हुआ, तो ये अच्छी बात रही गाइज। एंड गाइज, 15 जून को जो है कैची धाम मंदिर में बहुत बड़ा मेला होता है हर साल। लाखों लोग वहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। कोरोना की वजह से जो है पिछले साल भी ये टाल दिया गया था, और इस साल भी जो है अभी खबर मिल रही है कि ये कोरोना की वजह से जो है टल चुका है ये मेला। सो ठीक ही है गाइस, सेफ्टी होनी चाहिए। अभी कोरोना काल चल रहा है, तो इस टाइम पर रिस्क नहीं लेना चाहिए, और ये अच्छा ही है। और अभी आप देख सकते हैं मौसम बिल्कुल साफ़ है, हल्की हल्की हवा चल रही है, उसी के साथ धूप भी काफ़ी अच्छी है। आज मैं जा रहा हूँ अभी अपने बगीचे पे, वो आप देख सकते हैं वहाँ पर वो बगीचा है। और जो ये बगीचा है वो नदी से लगते हुए है, जिसे हम गधेरा बोलते हैं। सो यहाँ पर हम लोग कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं काम, तो खाली बैठना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। तो अभी मैं ले चलता हूँ आपको वहाँ पर, और दिखाता हूँ कि आज मैं क्या करने वाला हूँ। सो गाइज, अभी जाना है हमें नीचे डाउन की तरफ, और ये आप देख सकते हैं जो पहाड़ियाँ हैं इनसे हम घिरते जाएंगे अब थोड़ी देर में। एक रास्ता और है यहाँ से बगीचे में पहुँचने के लिए, ये एकदम खड़ा रास्ता है, इसलिए मैं यहाँ से जाना पसंद नहीं करता हूँ। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये वाला रास्ता है, तो यहाँ से ऐसे करके घूमते हुए मैं जाऊँगा। सो ये देख सकते हैं गाइस, रास्ते में हमको फूल भी मिले हैं जो खिल चुके हैं अभी, ये देखिए। सो यार, अभी हम ढलान की तरफ जा रहे हैं। यहाँ के जो रास्ते होते हैं गाइस पहाड़ों के, ये थोड़े ऐसे होते हैं कि इन पे चलना मुश्किल होता है, तो हम लोग डेली ही यहाँ पर चला करते हैं, तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। बट कोई प्लेन से, शहरों से कोई लोग आते ही नहीं, तो उनके लिए बहुत दिक्कत होती है यहाँ पर चलने में। अभी मैं पहुँच चुका हूँ जंगलों के बीच में, तो यहाँ से हम गुजर रहे हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर हमको जाना है एग्जैक्टली। सो गाइस, जस्ट मैं अभी पहुँच चुका हूँ अपने बगीचे पे, और अभी मैं खड़ा हूँ गधेरे में। सो ये आप देख सकते हैं, कुछ दिन बारिश हुई यहाँ पर, तो काफ़ी पानी इकट्ठा हो चुका है गधेरों में। गाइस, सबसे पहले ये पुलम का पेड़ है, ये गधेरे से लगते हुए है, देख सकते हैं आप। गाइज, ये आप देख रहे होंगे ये दीवार जो है ये गधेरे से लगते हुए हमने बनाई हुई है, ताकि यहाँ पर जंगली जानवर ना आ सके। एक्चुअली यहाँ पर जो है अभी आपको दिख रहा होगा, ये काफ़ी पत्थर जो हैं फैले हुए लग रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि घर का कुछ काम चल रहा था तो हमें कुछ पत्थरों की ज़रूरत थी, इसलिए हमने इसी को ही यूज़ कर लिया। इसे फिर से हम बाद में अच्छी तरह से बना लेंगे, ये देख सकते हैं आप। ये हमारे फादर के टाइम के पत्थर हैं, सो उन लोगों ने ही इसे यहाँ पर लगाया हुआ है, ताकि जंगली जानवर बगीचे को नुकसान ना पहुँचा सकें। सो गाइज, ये रहा हमारा बगीचा, और ये आप देख सकते हैं पहाड़ जो है वो हमारे सर के ऊपर आ चुका है अभी, क्योंकि हम बहुत डाउन पे हैं अभी, इसलिए अभी कुछ दिन से बारिश अच्छी हुई है यहाँ पर, तो इसलिए काफ़ी घास हो चुके हैं यहाँ पर। ये वाले जो आप लोग पेड़ देख रहे हैं, ये पूरे जो हैं आड़ू के पेड़ हैं। ये दो तीन खेतों में हमने आड़ू के पेड़ लगाए हुए हैं नीचे नीचे, और जो आप आगे देख रहे होंगे वहाँ पर, और ये जितना भी देख रहे हैं आप ऊपर को, ये सारे प्लम के पेड़ हैं।
अभी घास ज़्यादा है ज़मीन पे, सो जो मैंने अभी दाने गिराए हुए हैं वो अभी दिखेंगे नहीं इसमें। गाइज ये आप देख सकते हैं, इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 7 7 दाने हैं। आपको दिख रहा है या नहीं अच्छे से, क्योंकि लाइटिंग का प्रॉब्लम है। तो गाइज मेरा कहने का यही मतलब है, जैसे इसमें 7 दाने हैं, तो जो भी इस पेड़ की जो खाद होगी वो इन 7ों में लगेगी। अगर मैं इसे एक दाना यहाँ से तोड़ दूँ और एक दाना ये वाला तोड़ के नीचे गिरा दूँ, तो इसमें टोटल आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 दाने रहे हैं। तो इससे होगा क्या, ये जो पेड़ की खाद है इन 5ों में लगेगी और ये दाने बहुत बड़े और अच्छे होंगे, तो एक अच्छी क्वालिटी के दाने हो जाएंगे सब। गाइज आप में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि यार ये अपना ही घाटा क्यों करवा रहा है इन फ्रूट्स को नीचे ज़मीन पे गिरा के। तो मैं अपने किसान भाइयों को एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि कभी भी क्वांटिटी पे ध्यान मत दीजिए, हमेशा क्वालिटी पे ध्यान दीजिए। क्योंकि जब भी हम किसी शॉप में जाते हैं तो हम देखते हैं कि दो तरह की चीज़ें वो हमें दिखाता है, एक लोकल और एक ब्रांडेड। तो जो क्वांटिटी की चीज़ें होती हैं वो सारी लोकल होती हैं, और जो क्वालिटी वाली होती हैं वो ब्रांडेड होती हैं। तो हमें इसी चीज़ को ध्यान में रख के आगे चलना है। गाइस चलते चलते मुझे एक पौधा दिखा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप गाइस, यहाँ पूरे बगीचे में कितना हुआ है हमारे। पूरा नीचे पूरे बगीचे में फैला हुआ है ये सब। गाइज मैंने कहीं से ये सुना था कि इस पौधे को, इस प्लांट को शहरों में लोग घर के अंदर गमलों में लगाते हैं, क्या ये सच है गाइज? अगर ये बात सही है तो आप आइए और इसे भर भर के यहाँ से ले जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यार अभी चलते हैं घर की ओर वापस, और जो लोग मेरी वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर रहे हैं उन लोगों को सलाम है मेरी तरफ से। तो यार अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, आप लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं हूँ ना यार। मैं यहाँ पर नई नई वीडियोस बना के अपलोड करता रहूँगा, आप लोग को इसी तरह से इंटरटेनमेंट करता रहूँगा। सो गाइज़ अभी के लिए बस इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।